जय उत्तराखंड। वैसे मोटेन में आपका स्वागत है। खबर कल जी खाली निःशुल्क आर्ट क्राफ्ट एंड थिएटर वर्कशॉप का आयोजन पिछले 7 वर्षों से ग्रामीणों के लिए निःशुल्क आर्ट क्राफ्ट एंड थिएटर वर्कशॉप कराई जा रही है। ग्रामीणों में इस तरह का काम कला के जरिए और अपने समाज सभ्यता संस्कृति को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है इसकी जानकारी दी जाती है। इससे अभी तक 700-800 बच्चे इसका लाभ ले चुके हैं। इस बार यह है आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांड में हुआ, जिसमें 30-40 बच्चों ने भाग लिया और इसमें राकेश भारती जी, विनय शाह की भूमिका रही। कलजीखाल खंड शिक्षा अधिकारी इब्रीस अहमद, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पुरिया डांड के प्रधानाचार्य जयेंद्र सिंह रावत मौजूद रही। आइए देखिए हमारे जगमोहन डांगी जी की यह रिपोर्ट। इनोवेशन और इनोवेशन के लिए हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं हमेशा इनोवेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं और इस दिशा में हर वक्त ये ऐसे कार्य करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। गुर्जिया, एक दिवसीय जो ये थिएटर कार्यशाला रखी गई है ये बच्चों के लिए है, किस विषय पे है और क्या है इसमें जानकारी? और ये भारती जी ने यह पहल पे जो आयोजित की गई है तो कैसा रहा ये कार्यक्रम? देखिए, अभी तक हमारे जो प्रयास हैं कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, अक्सर उनके बीच जो एक पढ़ाई का दबाव बनाया जा रहा है और एक जो भीड़ चाल चल रही है कि बीटेक करना है, एचएम करना है, हम ये चीज बता रहे हैं कि और भी संसाधन हैं आपकी आर्थिकी के, आपकी आर्थिकी को उस ओर ले जाने की, कला की ओर ले जाने का हमारा प्रयास है। दूसरा हमारा प्रयास उत्साहवर्धन किया तो कैसा रहा ये कार्यक्रम? श्री आशीष नेगी जी, जो हमारे अभिभावकों, हमारे स्टाफ और हमारे बच्चों के बीच उपस्थित हुए हैं, इनके द्वारा अवश्य ही हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन होगा और साहित्य, कला, नाट्य, रंगमंच इत्यादि जो हमारी विधाएं हैं इनसे जो हमारे छात्र जो लाभान्वित होंगे। और श्री आशीष नेगी जी के द्वारा हमारे छात्राओं का मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन और जो इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी और खास तौर से वेस्ट मटेरियल के द्वारा विभिन्न उपयोगी वस्तुओं को बनाने की जो जानकारी दी गई है, अवश्य ही हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य में से जो उत्साहवर्धन होगा और इन्हें सीखने का, नई चीजों को जानने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और श्री आशीष ने जी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां पर उपस्थित होकर हमारे छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और विभिन्न विधाओं को उनकी जानकारी देने का और उनको सिखाने का अवसर जो है उन्होंने जो हमारे छात्र छात्राओं को प्रदान किया हुआ। धन्यवाद। थिएटर कार्यशाली थी आशीष नेगी जी और हमारे राकेश भाई जी के प्रयासों, थिएटर कार्यशाली थी ये आशीष नेगी जी और हमारे राकेश भाई जी के प्रयासों। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।